हेलो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मिनिमा एंड मैक्सिमा व्हाट इज मिनिमा एंड मैक्सिमा हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है okay this is our one graph a camera graph है. let's consider this point a this is point a point b point c and point d okay now now draw the tangents to the graph at point A, draw a tangent here, draw a tangent here, draw a tangent here, and draw a tangent here. Okay. At each point, the gray at each point a b c and d the gradient of the graph is zero gradient means slope slope of the graph is zero here the slope of the graph here the gradient gradient of a b c d all are parallel to x axis and uh, and we know the tangent parallel to the x axis तो उसकी स्लोप क्या होती है जीरो फॉर डी वाई बाई डी एक्स दे फॉर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एट पॉइंट ए बी सी एंड डी ए बी सी और डी पर हर सारे पॉइंट्स पे हमारा स्लोप क्या है डीवाई बाई डी एक्स क्या है हमारा जीरो क्यों क्योंकि ये सबके सब क्या है एक्स एक्सिस के पैरल है स्लोप और ग्रेडियंट इज जीरो जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है मीन स्लोप जीरो होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी स्टेशनरी पॉइंट तो यहाँ पर हमारा ए बी सी और डी क्या हो गया स्टेशनरी पॉइंट ए बी सी एंड डी हमारा क्या हो गया स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पर ग्रेडियंट और स्लोप डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट तो हमारा ए बी सी और डी चारों पॉइंट पे हमारे क्या है ग्रेडियंट स्लोप क्या हमारा जीरो नाउ की पॉइंट की पॉइंट मतलब ये आपको याद रखना है डेट एनी पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द ग्राफ इज हॉरिजेंटल इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट मीन्स एनी पॉइंट एनी पॉइंट एट विच At which the tangent to the graph at which tangent to the graph to the graph is horizontal is called. स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी उसे हम क्या बोलते हॉरिजेंटल एक्सिस हो मतलब हॉरिजेंटल हो वहाँ पर इट मींस हमारा पॉइंट ए बी सी और डी पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो क्या है एक्सिस के पैरल है या हॉरिजेंटल है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट अब एक टर्म होता है टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट कौन सा पॉइंट टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट क्या होता है टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जैसे यहां पर ए ए मेरा क्या कर रहा Turn कर रहा है पहले हमारा जो स्लोप था पहले हमारा जो स्लोप था वो क्या था पॉजिटिव मतलब टेंजेंट जो हमारा था वो कैसा था पॉजिटिव फिर हमारा टेंजेंट कैसा हो गया निगेटिव ठीक है अगेन एट बी हमारा टेंजेंट क्या है यहां पर स्लोप निगेटिव फिर यहां पर जीरो हुआ अगेन यहां पर पॉजिटिव हो गया सेम सी के लिए यहां पर हमारा टेंजेंट क्या है यहाँ पर पॉजिटिव यहां पर अगेन हमारा टेंजेंट क्या हुआ निगेटिव बट एट पॉइंट डी यहाँ पर फ्लैट है फॉर शॉर्ट टाइम कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पर फ्लैट हो गया तो यहां पर कोई टर्निंग नहीं आया कोई पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव स्लोप नहीं हुआ ये कुछ टाइम के लिए फ्लैट हो गया कुछ टाइम के लिए ये क्या हो गया फ्लैट हो गया तो हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट वैसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर हमारा कर्व जो होता है ग्राफ का जो कर्व होता है वो क्या करता है टर्न करता है ठीक है तो हम कह सकते हैं पॉइंट ए एट पॉइंट ए बी एंड सी दर्व एक्चुअली टर्नस दे फॉर दिज पॉइंट आर स्टेशनरी एंड आर टर्निंग पॉइंट्स ये पॉइंट स्टेशनरी भी हैं और क्या है टर्निंग पॉइंट भी हैं दे फॉर दिज आर टर्निंग पॉइंट्स, दिज आर टर्निंग पॉइंट्स, डी टर्निंग पॉइंट नहीं है क्यों क्योंकि ग्राफ क्या हो गया शॉर्ट टाइम के लिए मतलब बहुत मतलब कम टाइम के लिए ये क्या हो गया फ्लैट हो गया इट मीनस ये फ्लैट हो गया तो डी इज नॉट ए टर्निंग पॉइंट तो डी मेरा क्या है टर्निंग पॉइंट नहीं है ठीक है सो वी कैन से डैट टर्निंग पॉइंट आर स्टेशनरी पॉइंट हम कह सकते हैं वी कैन से डैट वी कैन से डैट वी कैन से डैट टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स आर points are stationary points are stationary points but not all the stationary points are turning points but not all the all the stationary points are आर टर्निंग पॉइंट ओके तो टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं जहां पर हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या होता हो टर्निंग पॉइंट भी क्या है दे की पॉइंट जो हमें याद रखना है क्या है एट टर्निंग पॉइंट एट अ टर्निंग पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट ऑल द पॉइंट्स वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आर टर्निंग पॉइंट वो सारे पॉइंट्स जहां पर डीवाई बाई डी एक्स जीरो नहीं है कैसे यहाँ पर भी डीवाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है जीरो यहाँ डीवाई बाई डी एक्स जीरो डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है यहाँ पर भी डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है बट इट इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट क्यों क्योंकि यहाँ पर फ्लैट हो गया है कुछ टाइम के लिए हमारा जो कर्व था वो क्या हो गया फ्लैट हो गया therefore these three are the turning points but d is not a turning points therefore not all points where dy by dx is equal to zero are turning points are

दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा अगेन दिस पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है लोकल मैक्सिमा जो होता है अपने नेबरहुड में इन इट्स इमिडिएट एरिया इट इज द हाईएस्ट पॉइंट मतलब अपने नेबरहुड में ये क्या होता है हाइएस्ट पॉइंट होता है जैसे ये एक पॉइंट हुआ इसके नेबरहुड में ठीक है ये एक पॉइंट हुआ इसके नेबरहुड में इन दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से अगर इस पॉइंट पे जो वैल्यू है अगर वो ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा इट मीन्स अगर हम कहें कि ये हमारा पॉइंट P है और ये P माइनस एच और ये P प्लस एच है तो P पर जो वैल्यू होगी एफ ऑफ पी और एफ ऑफ पी माइनस एच और एफ ऑफ पी प्लस एच तो अगर एफ ऑफ पी मतलब इस पॉइंट पे जो फंक्शंस की वैल्यू होगी अगर वो इन दोनों पॉइंट के फंक्शंस की वैल्यू से बड़ी है तो हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम दे फॉर द पॉइंट ए इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम बिकॉज इन इट्स इमीडिएट एरिया इट इज द हाइएस्ट पॉइंट एंड सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इसको कैसे हम कहेंगे डेट पॉइंट ए एंड सी are called local maximum because in its immediate area it is the highest point highest point and so represent and so represent the greatest or maximum value ऑफ द फंक्शन नॉफ और पॉइंट बी पॉइंट बी के लिए अगर हम देखें तो पॉइंट बी के नेबरहुड में ये पॉइंट और ये पॉइंट ठीक है इस पॉइंट पर यह वैल्यू क्या है बड़ी है अगेन इस पॉइंट पे ये वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है इस पॉइंट के कंपैरिजन बड़ी है और हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शंस की जो वैल्यू है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है छोटी है उसकी वैल्यू लेस देन द फंक्शंस ऑफ बोथ द पॉइंट्स सो बी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम इसको हम कैसे लिख सकते हैं पॉइंट B is the point B is the local minimum is the local minimum because in its immediate area इट इज द लोवेस्ट पॉइंट इट इज द लोवेस्ट पॉइंट ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर हम और क्लियरली समझेंगे कि स्लोप कैसे पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव मत इन दिस मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से देखेंगे कि कैसे हम रिप्रजेंट करते हैं लोकल मैक्सीमा और लोकल मिनिमा को Thank you please like and subscribe my YouTube channel Maths IPU syllabus